मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बैंक लूट की योजना से पहुंचे पांच शातिर अपराधियों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के पारू थाना क्षेत्र का है, जहां एसडीपीओ सरैया को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन बाइक से तकरीबन आठ की संख्या में अपराधी एसबीआई बैंक को लूटने पहुंचे हैं, जिसके बाद पारू थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वही टीम ने मौके वारदात पर जाकर दो बाइक पर सवार पांच अपराधी को धर दबोचा, जबकि तीन अपराधी भागने में सफल रहे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बैंक लूटने की बात स्वीकार की है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन, पहले आपको सुनाते हैं। दिनांक 8/7/23 को करीब 3:15 बजे पारू थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव को सूचना मिली कि लालू चपरा आश्रित बैंक के पास तीन बाइक पर सवार कुल आठ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। तत्पश्चात घटना को वरीय पदाधिकारी से अवगत कराते हुए और सूचना के सत्यापन के लिए पारू थाना अध्यक्ष दलबल के साथ थाना से प्रस्थान किए गए, तो वहां देखे कि तीन बाइक पे आठ अपराधकर्मी सवार थे जो अवैध हथियार से लैस भी थे। तो जब पुलिस बल वहां पहुंची तो पुलिस को देख करके सभी लोग भागने लगे, जिसमें पुलिस बल के सहयोग से पांच अपराधी कर्मियों को पकड़ा गया है। तीन लोग भागने में सफल हुए, जिनके पास से तीन देसी कट्टा लोडेड, छः जिंदा कारतूस, चार मोबाइल और एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया। क्या कुछ योजना थी इनके? कल लालू चपरा एसबीआई के पास से जो कि इनको पकड़ा गया है, और कल एसबीआई बैंक में ऑडिट काम चल रहा था और बैंक खुला था और ये लोग फिराक में थे कि जैसे ही मौका देख करके बैंक में घुसे और बैंक को लूटपाट करने की उनकी योजना थी। कहाँ के हैं लुटेरे? ये लुटेरे सब सरैया मंडल के हैं। पहले से भी कोई अपराधी मामले हैं? हाँ, इनमें से एक दो अपराधियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, वो जेल भी गए हैं लोग, और बाकी के अपराधी जैसे को पता किया जा रहा है। क्या कुछ रिकवर है इनके पास से? इनके पास से तीन देसी कट्टा लोडेड, छः जिंदा कारतूस, चार स्क्रीन टच मोबाइल और एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक अपाची मोटरसाइकिल। किस तरह से अपराधी जो है घटना को अंजाम देते थे, क्या मोटिव रहता था इनका? इनका मोटिव रहता है कि मौका देख करके बैंक में घुस करके बैंक में लूटपाट करते थे, उसके बाद भाग जाते थे, लेकिन सूचना के मिलने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई के द्वारा ये पांचों पकड़े गए, बाकी के खिलाफ भी छापेमारी हेतु कार्रवाई की जा रही है। बरामद गाड़ी की चोरी की है या फिर इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन, लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस को सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बैंक लूट के नियत से पहुंचे अपराध कर्मियों को पारू थाना की पुलिस ने हथियार व अन्य सामान के साथ धर दबोचा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरैया ने बताया कि अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी जो है पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा के पास एसबीआई बैंक की रेकी कर रहे हैं, जिसके बाद पारू थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के नेतृत्व में एक टीम को भेजा गया। वही टीम ने मौके वारदात से दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों को हथियार व अन्य सामान के साथ धर दबोचा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।